तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका CUET स्कोर कम है तो आप किन कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, अगर आपका 600 या 500 स्कोर से भी कम है तो आप कौन सा टारगेट कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस में। तो यहाँ पे मैंने पूरा राइट डाउन करके लिख लिया है, कोर्सेज भी मैं बता दूंगा आपको, तो आप लोग वहाँ पे आराम जाके एनरोल कर सकते हैं और आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा विथ लोअर कट ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 85% ऐसा लोग हैं जो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी आप लोगों के लिए मददगार वीडियो लेके आता हूँ ऑथेंटिसिटी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में 10 कॉलेजेस विद लोअर कट ऑफ। फर्स्ट आता है, देखो मैं रैंक दूंगा तो वो PGDAV कॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है और उसका कट ऑफ जो है वो लोअर रहता है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कॉलेजेस का नाम लेता हूँ, फिर मैं कोर्सेज बता दूंगा कि किन किन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है PGDVA कॉलेज, फिर आता है आपका मोतीलाल कॉलेज, फिर आता है आपका सत्यवती कॉलेज, शहीद भगत सिंह, जकीर हुसैन, देशबंधु कॉलेज, फिर आता है रामलाल, फिर आता है जाकिर हुसैन कॉलेज। देखो भाई, यहाँ पे कॉलेज आपको लोअर कट ऑफ में मिल जाएगा, लेकिन और एक चीज़ मैं बोलूँ तो CUET का जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा शूट अप करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 100% बहुत लोग का है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा ऐसा स्कोर कर, सो प्लीज़ आप लोग ट्राई ऐसा करिएगा कॉलेज प्रिफरेंस बनाने के लिए। तो आपको फर्स्ट चांस में अगर मिल जाए तो आप एक सीट रिजर्व कर लीजिएगा, और अगर आप एक साल ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप एक साल में एडमिशन ले लीजिए कहीं पे और उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं आगे CUET का। अब चलते हैं आगे, और कॉलेज तो हो गया, तो इन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को BA प्रोग्राम्स में यहाँ पे कट ऑफ कम मिलेगा, जिन लोग 500 टू 600 रेंज में है। BCOM प्रोग्राम भी आप ले सकते हैं, तो BA प्रोग्राम और जो बाकी लैंग्वेजेस प्रोग्राम हो गया जैसे वो हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, फॉरेन लैंग्वेजेस, फिर आता है आपका BCOM प्रोग्राम। अगर 600 भी है आपका तो आप लोग BCOM प्रोग्राम एम कर सकते हैं। अगर आपका 650 से अबव है तो BCOM ऑनर्स आपको आराम से मिल जाएगा साउथ कैंपस में, और 750 एंड अबव है तो आराम से आपको नॉर्थ कैंपस भी मिल सकता है। तो आपको क्या कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट जल्दी आएगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।